और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज के इस खास शो गुड मॉर्निंग भारत में हम रोज सुबह ताज़ा तरीन खबरों के बारे में बात करते हैं, तो आज भी हम ताज़ा खबरों की बात करेंगे। भारत में रिवाज है सुबह सुबह अखबार पढ़ने का, साथ ही साथ चाय की चुस्की लेने का। तो इन चाय की चुस्कियों के साथ हम अपने गुड मॉर्निंग भारत शो के जरिए वो ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज की पहली अपडेट के बारे में बात करें, तो आज देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है, इस खबर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एबी स्टार न्यूज की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं उनके 70वें जन्मदिन पर। एबी स्टार न्यूज यही कामना करता है कि उनको हमेशा भगवान सेहत दे, अच्छी सेहत दे और आगे देश की इसी तरह से वो रक्षा करें और अच्छे अच्छे डिसीजन इसी तरह से लेते रहें। तो खबरों की बात करेंगे हम, आज पहली खबर के बारे में बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही रिलेटेड ये खबर है। आज जैसा कि हमने आपको बताया उनका 70वां जन्मदिन है, तो किस किस ने उन्हें बधाई दी इस बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज राष्ट्रपति, गृह मंत्री से लेकर विपक्ष ने भी बधाइयां दी हैं। बता दें उनके 70वें जन्मदिन पर सभी ने उनको बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी हैं। तो बता दें कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए ट्विटर पे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनको जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं, और साथ ही साथ कई अन्य और नेता भी हैं जिन्होंने उन्हें आज की शुभकामनाएँ दी हैं। तो अगली खबर के बारे में अब बात कर लेते हैं हम, आज की कोरोना अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो देश की क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना को लेकर और क्या आंकड़े हैं उनके बारे में बात कर लें। तो कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, भारत आज दूसरे नंबर पे है कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए। तो बता दें कोरोना अब रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि शुरुआत में हमने जो खबरें आई थी उसके अनुसार आपको बताया था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना का असर कम होगा, और साथ ही साथ खबरें जो सामने आई थी वो यही कह रही थी कि गर्म पानी पिए और एसी ना चलाएं, ठंडी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन अब आज के वक्त में हम अगर देखें, इसको हमने जब एक्सपीरियंस किया है, तो हम आपको बता दें कि कोरोना अब रूप बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अलग अलग तरीके के फ्लू ज़रूर हो रहे हैं और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम कोरोना को देखें तो कोरोना किसी भी रूप में आपको अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे वो छोटा सा ही बुखार क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ी सी खांसी क्यों ना हो। अगर आप में ज़रा से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत अपना चेकअप कराएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप चेकअप कराएंगे तो आप अपने आप को ही सुरक्षित करेंगे। तो कोरोना के इस बदलते रूप को लेते हुए हम यहाँ पर कोरोना के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त हम अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो ये आंकड़ा 97,000 से ज़्यादा था कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर हम बात करें तो। पिछले 24 घंटों में ये आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी किए गए वो 97,894 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटों में मौत के आंकड़ों की बात कर लें तो ये आंकड़ा है 1,132 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसी के साथ कुल आंकड़ों की अगर हम बात कर लें, कुल संक्रमित आंकड़े अगर हम अपने देश में जाने तो ये आंकड़ा है 51,18,253। तो अब तक का ये आंकड़ा बता दें, इसके साथ ही भारत दूसरे नंबर पर है कोरोना को देखते हुए। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, डरने वाली बात तो है ही, साथ ही साथ हम आपको अब एक और चीज़ भी बता दें कि रिकवरी रेट, जी हाँ, वैक्सीन तो अभी सामने नहीं आई, वैक्सीन पर अभी कोई पुख्ता खबर भी सामने नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम वैक्सीन के बारे में बात करें तो ट्रायल ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई कि वैक्सीन हमें इस महीने में मिल ही जाएगी या फिर हमें अगले साल के इस महीने में मिल जाएगी। तो अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, ये भी हो सकता है हमें वैक्सीन इसी साल मिल जाए अगर ट्रायल सफल रहते, तो ये भी हो सकता है कि अगले साल हमें वैक्सीन मिले, तो कुछ अभी कयास नहीं लगाए जा सकते। लेकिन हम रिकवरी रेट की अगर बात करें तो भारत में जो दवाइयां हैं उन्हीं से कोरोना मरीजों को ठीक किया जा रहा है, और इसके लिए हम आपको आंकड़े बताएं तो अब तक 40,25,000
79 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, अपने घर सकुशल स्वस्थ होकर जा चुके हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटों में इसी आंकड़े की बात करें तो ये 82,719 है। पिछले 24 घंटों में 82,719 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब अगर हम कंपेयर कर लें कि पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना मरीज मिले हैं और कितने कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी है, तो ये आंकड़ा जो संक्रमितों का है 97,894 है। और अगर हम बात करें जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनकी, तो 82,719, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रिकवरी रेट थोड़ा कम है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती लोग रिकवर इसी तरह से तेज़ी से होते जाएँ, क्योंकि अगर हम बात करें राज्य के अनुसार खबरों की और राज्य के अनुसार आंकड़ों की, तो राज्य सबसे पहला है महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और शुरुआत से ही महाराष्ट्र नंबर वन पे ही रहा है। महाराष्ट्र के बाद पहले दिल्ली था जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज पाए जा रहे थे, लेकिन आज के वक्त में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये टॉप स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोरोना को मात दी जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो वैक्सीन से दी जाए, चाहे वो किसी तरीके से इलाज करके दी जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन जब जारी किया गया था तो ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये कोरोना फैलता गया और इतना फैल गया कि आज भारत कोरोना के आंकड़ों को लेकर दूसरे नंबर पर आ चुका है। और हालांकि अब देश में लॉकडाउन हटाया जा रहा है, अनलॉक भी जारी है, तो अनलॉक में हम इस वक्त हैं और इसके साथ ही सरकार काफ़ी सारे नियम भी बता रही है कि उन नियमों का पालन करके ही हम अनलॉक में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तभी कोरोना से दूर रह सकेंगे। क्योंकि इस वक्त कोरोना की बात करें तो कोरोना किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकता है। बता दें कोरोना न सिर्फ खांसी बुखार को लेकर आ रहा है, बता दें कोरोना बिना सिम्टम्स के भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन हथियार हैं जिनसे आप यूज़ करके कोरोना से दूर रह सकते हैं। तो आप ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र यूज़ ज़रूर करें। तो ये तो हमने बात की अपने जो आज की टॉप न्यूज़ थी, जैसे कि हमने सबसे पहले बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर, आज उनका 70वां जन्मदिन है, और बात करी हमने कोरोना के आंकड़ों को लेकर। अब हम अन्य खबरों को लेकर बात करें तो ये अन्य खबरें सबसे जो अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम, तो चीन की नई चाल, सीमा पर लाउड स्पीकर से बजा रहे पंजाबी गाने। बड़ी एक अलग सी खबर है कि चीन की तरफ से पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं। हम ये खबर आपको बता दें कि आखिर क्या सच्चाई है इस खबर में, कोई पुष्टि भी है या नहीं, या फिर सिर्फ कहीं से मालूम पड़ा है कि ये खबर इस तरीके से सामने आई है या फिर पंजाबी गाने बजाए गए, तो हम इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि पहली घटना तब हुई जब भारतीय सेना ने 29-31 अगस्त के बीच दक्षिणी किनारे पर पैंगोंग झील के पास ऊंचाइयों पर कब्जा करने की चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया था। तो अगर गानों के बारे में बात करें तो सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अब नई चाल चल दी है। चीन ने LAC पर फिंगर 4 इलाके में लाउड स्पीकर लगाए हैं। इन लाउड स्पीकर पर चीन पंजाबी गाने भी बजा रहा है। माना जा रहा है चीन लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने की कोशिश में है। तो ये कोशिश हम आपको बता दें, चीन की तरफ से काफ़ी सारी ऐसी नाकाम कोशिशें की गई हैं जिनको भारत पर चलने की जो चाल है वो चाल चली गई है, लेकिन भारत ने उनको नाकाम किया है और भारत अभी भी तैयारी में है। आपको बता दें कि किस तरीके से फिंगर 4 एरिया में चीन की सेना लाउड स्पीकर बजा रही है। और आपको बता दें ये भी कि सूत्रों का कहना है कि यहाँ चीनी सेना ने लाउड स्पीकर लगाए हैं, वहाँ भारतीय सैनिकों को लगातार निगरानी में रखा गया है, और वहीं
अब ये भी संभव है कि हमारे सैनिकों को विचलित करने या दबाव बनाने के लिए इस तरह की चाल चली जा रही है। दरअसल यहाँ भारत की ओर से तैनात सैनिकों में सिख भी शामिल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन की सेना मानसिक दबाव के तहत जो है मानसिक दबाव बनाना चाह रही है, तो इसके तहत ही ये पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं। जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं, वहीं इस तरीके की हरकत अब चीन की तरफ से सामने आई है। एलएसी पर जो हमारे सैनिक इस वक्त तैनात हैं उनमें कुछ पंजाबी भी हैं, तो उनको मानसिक दबाव देने के लिए इस तरीके की जो हरकत की जा रही है। हालांकि हमारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तेज़ हैं, वो इस चाल को ज़रूर समझ चुके हैं, तभी ये खबर सामने आई है। क्योंकि अगर हम बात करें चीन की तरफ से, तो हर बार ऐसी उम्मीद की जाती है कि अब चीन अपनी हरकतों को थाम लेगा, अपनी जो हरकतें हैं सुधार लेगा, लेकिन हर बार चीन कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे भारत को तैयारी और तेज़ी से करनी होती है, और भारत माकूल जवाब भी देता है। लेकिन अब जो चाल चली गई है ये पंजाबी गाने बजा के, देखने वाली बात होगी कि आगे इन पंजाबी गानों का क्या असर निकलता है और भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं हम, तो जिस तरीके से हम कंगना रनौत को लेकर अब बात कर लेते हैं। अगर सुशांत केस को लेकर बात करें तो काफ़ी गहमा गहमी इस केस में है। पिछले कुछ दिनों की खबरों को लेकर अगर हम अब तक की खबरों के बारे में बात करें, तो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से काफ़ी सारी पूछताछ हुई थी, जिसके बाद जो है रकुल और सारा अली खान और सिमोन का नाम सामने आया था कि वो लोग भी होती थी उस ड्रग्स पार्टी में, जब ये उस फार्म हाउस पे पार्टी करते थे जहाँ से एनसीबी को ड्रग्स और हुक्का पीने का जो नशीली गोलियाँ हैं, गांजा, इस तरीके का सामान जो है बरामद हुआ है, वहाँ पर ये तीनों भी होते थे, सिमोन, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह। तो हम अगर बात करें इस केस में आगे क्या हो रहा है, तो आगे बता दें मानसून सत्र जिस दिन शुरू हुआ 14 सितंबर, उस दिन से और ज़्यादा गहमा गहमी हो गई, क्योंकि सदन में एक्ट्रेस जया बच्चन और सांसद जया बच्चन, बता दें कि सपा सांसद भी हैं वो, उन्होंने संसद में साफ कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने यहाँ से नाम कमाया वही अब बॉलीवुड का नाम बदनाम कर रहे हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब आपको बता दें ये उन्होंने कहा किसके लिए था, उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन को लेकर ये कहा था। हालांकि रवि किशन जो है भोजपुरी एक्टर भी है, और साथ ही साथ उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी लेकर इनडायरेक्ट वे में ये सदन में बोला था, उस जिसको लेकर रवि किशन की तरफ से भी जवाब आया था और कंगना रनौत की तरफ से भी जवाब आया था। पहले अगर हम रवि किशन के जवाब के बारे में बात कर लें, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि वो साथ देंगी मेरा, लेकिन खैर छोड़िए। अगर हम कंगना रनौत के जवाब के बारे में बात करें, तो ट्वीट उन्होंने किया था और साफ उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा था कि जया जी, अगर आपका बेटा होता जो फांसी से लटकता हो मिलता, तो आप क्या करती, आपकी बेटी होती टीनेज में और उसे नशा कराया जाता, उसके साथ मारपीट होती, तो आप क्या करती। इस तरीके के सवाल करते हुए जो है ट्वीट दिखा था उनका। और अब हम बात करेंगे उर्मिला मातोंडकर के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बता दें इस खबर को लेकर। उर्मिला मातोंडकर जो हैं सांसद जया बच्चन के सपोर्ट में उतरी, जिन्होंने साफ कहा है कि जया बच्चन एक बहुत ही समझदार और बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस है, और कंगना रनौत ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया गलत है। इस खबर के बारे में हम बात करें, तो उर्मिला मातोंडकर ने कंगना और जया विवाद पर बात करते हुए कहा कि कंगना जी पैदा भी नहीं हुई थी जब जया जी की कई बेहतरीन फिल्म आई थी, जिनमें मिली, गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में शामिल हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंगना इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों से इस तरह से बात करती है। उन्होंने जिस लिहाज से जया बच्चन को प्रतिक्रिया दी, ऐसा भारतीय समाज की संस्कार नहीं है, इसे किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने कंगना पर तीखा हमला करके पूछा, उखाड़ लोगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कौन सी घर की संस्कारी लड़की करती है।
बता दें उखाड़ लोगे शब्द को उन्होंने एक मुद्दा बनाकर सामने रखा है, जो अब कहीं ना कहीं इस बातचीत को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम देखें तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपने वीडियोस जो जारी किए थे, अपने ट्वीट किए थे, जो उन्होंने सुशांत केस में बढ़ चढ़ कर साझेदारी की थी, उन्होंने मदद की थी, या फिर वो सामने आई थी कि बॉलीवुड की एक तरीके से वो पोल खोलती हुई नज़र आ रही थी कि बॉलीवुड और ड्रग्स का कितना पुराना कनेक्शन है और किस तरीके से वहाँ पर राज छुपाए जाते हैं और किस तरीके से जो नया एक्टर है उसको दबाया जाता है। तो उन्होंने तमाम जो अपनी बातें हैं वो सामने रखी थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी बढ़ी। और साथ ही साथ जो शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने भी काफ़ी सारे बयान दिए। उसके बाद जया बच्चन को ले लें हम, या फिर सीधा हम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को ले लें, या फिर हम किसी भी बॉलीवुड एक्टर ऐसे जो एक्ट्रेस हैं उनको ले लें जो अभी कंगना रनौत के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उनके बयानों को हम देख लें तो उनका साफ कहना है कि कंगना रनौत इंडस्ट्री के होके ही इंडस्ट्री के लोगों पर जो है इस तरीके के बयान दे रही हैं। तो उर्मिला मातोंडकर को लेकर ये जो खबर है वो हमने आपको बताई। अब हम अगली खबर के बारे में बात कर लें तो ये दैनिक जागरण की खबर, अगर हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करेंगे तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जो है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर जो पार्टी हुई उसके बारे में बता दें, बीते दिन निक जोनस का बर्थडे था जिसको लेकर ये खबर है। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्टी हुई थी जो निक जोनस के घर ही हुई थी, और अगर घर के बारे में हम बात करें तो किसी लग्जरी महल से कम नहीं है निक जोनस का घर। अब हम कुछ अन्य खबरों के बारे में बात करेंगे, सोनम कपूर को लेकर बात कर लें। बता दें सोनम कपूर अक्सर विवाद में बनी ही रहती हैं, क्योंकि सोनम कपूर कभी किसी और बयान को लेकर, कभी अपनी ड्रेस को लेकर, कभी अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल कर ही दी जाती है। अब अगर हम बात करें सोनम कपूर के लेटेस्ट खबर को लेकर तो बुरी तरह से फंस चुकी हैं सोनम कपूर जया बच्चन का साथ देकर। तो जया बच्चन के बारे में हम बात कर लेंगे, जो जया बच्चन का समर्थन करती हुई सोनम कपूर नज़र आई है, तो सोनम कपूर पर काफ़ी ज़्यादा मीम बनाए गए हैं। सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में जया का समर्थन कर कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, इसे लेकर वो ट्रोल हो गई, उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। संसद में मानसून सत्र में जया बच्चन के भाषण के बाद सोनम कपूर उनके समर्थन में आ गई, हालांकि ऐसा करने के बाद उन पर कई मजाकिया मीम वायरल हुए। तो क्या सोनम कपूर ने ट्वीट किया था, मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट उनका ट्वीट, आई वॉन्ट टू बी हर वैन आई ग्रो अप। तो जया बच्चन को उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा था, अपना एक जो बयान लिखा उन्होंने, सिर्फ एक लाइन लिखी है, आई वॉन्ट टू बी हर वैन आई ग्रो अप, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मीम बने और उनका मजाक भी बनाया गया। अब हम अगली खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, ये अगली खबर हम पॉलिटिक्स को लेकर अमर उजाला में किस तरीके से खबरें हैं उसको लेकर हम बात करें तो वो खबरें, राज्यसभा की कार्रवाई जारी है और चीन मुद्दे पर बयान देंगे राजनाथ सिंह फिर से, तो ये संसद की खबर। अगर हम और खबरों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की ये खबर जो एक बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर को हम आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, अभी भी अभियान जारी। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ में श्रीनगर के बटमालू इलाके में ये जो अभियान था चलाया गया, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर हैं। दहशतगर्दों की तलाश अभी भी जारी है। मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई है जिनकी पहचान कौंसल रियाज के रूप में हुई। वहीं सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही साथ 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो आगे भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है, आगे किस तरीके से जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। दैनिक जागरण के अनुसार हम बिजनेस की बात कर लें तो पहली बिजनेस की खबर, गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में। बता दें कल तक की खबरों की हम बात करें तो ये बाजार काफ़ी अच्छे से बढ़त के साथ ही खुल रहा था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो गिरावट के साथ खुला है।
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 191.11 अंक नीचे यानी कि 39,111.74 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 अंकों की गिरावट के साथ 11,534.55 के स्तर पर खुला है। तो ये गिरावट के साथ आज सेंसेक्स जो है शेयर बाजार खुला। अगली खबर के बारे में बात करें हम तो LIC को अगस्त तक इक्विटी पोर्टफोलियो से 13,000 करोड़ रुपए का लाभ। क्या है ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि काफ़ी ऐसी खबरें होती हैं जो हम आपको इस शो में बताते हैं जो आपके लिए लाभकारी होती है। तो जैसे कि शिक्षा की अगर हम बात कर लें तो एजुकेशन फील्ड की हम बात करेंगे, वो खबर आपको बताएंगे अभी इस खबर के बाद। तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निगम यानी कि IPO लाने की तैयारी में लगे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से अगस्त तक 13,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बीमा कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। तो LIC को लेकर ये खबर जो आपको बिजनेस फील्ड में हम बता रहे हैं, साथ ही साथ अब हम एजुकेशन फील्ड की अगर बात कर लें तो ये खबर SSC एग्ज़ाम को लेकर। SSC एग्ज़ाम 2020 सेंटर चेंज, परीक्षा शहर बदलने के लिए 3 दिन CHSL और CGL, JEE स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट के बारे में जानकारी है। ये इस खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने यानी कि SSC ने अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को अपने सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र के शहर चुनने का एक मोहला जो है विकल्प दे दिया है। जो वो मोहलत दी है वो अक्टूबर नवंबर की है, तो इसके अनुसार जो परीक्षार्थी हैं वो अपना शहर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। अब हम अगली फील्ड के बारे में अगर बात करें तो टेक ज्ञान के बारे में बात कर लेंगे हम, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ खबरें। तो ये खबर कुछ फोन्स को लेकर है जो हम आपको इस शो में बताएंगे। रेडमी नोट 9 को एक बार फिर खरीदने का मौका, एक सेल जारी की जा रही है। सेल के बारे में हम आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से अगर अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस सेल के दौरान खरीद सकते हैं। 12 बजे से ये सेल शुरू होगी, तो Amazon और MI.com से आप ये खरीद सकते हैं। बता दें Redmi का फ़ोन है जो उसकी ऑफिशियल साइट से भी आप खरीद सकते हैं। 12 बजे से ये सेल शुरू होगी जहां से आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं। तो आज हमने गुड मॉर्निंग भारत में बड़ी खबरों से लेकर छोटी छोटी खबरों तक आपको पहुंचाया कि किस तरीके से ये बड़ी खबरें इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने। और दैनिक जागरण के अनुसार हमने सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और सभी बड़े बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना को लेकर हमने जो आंकड़े बताए वो किस हद तक बढ़ रहे हैं और किस हद तक आपको सुरक्षित रहना है, किस तरीके से सुरक्षित रहना है हमने आपको बताया। और हर रोज़ हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक ताज़ा तरीन खबर इस शो के ज़रिए आप तक पहुंचे। बाकी जो खबरें बच जाती हैं वो हम पूरा दिन अपने अलग अलग बुलेटिन या शो के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आगे की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। लेकिन अब के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही, देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।